अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि बच्चों की किस तरह की शॉपिंग मैंने की है, किस तरह की उनके जो है ड्रेसेस वो मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो अब बारी है मेरे ड्रेसेस की। मैं अपने ड्रेसेस ले आई थी और ला के उनको ब्यूटीफुल सा करके स्टिच भी कर लिया और आयरन वगैरह करके, मतलब टोटली रेडी टू वेयर कर लिए हैं, टोटली डन हो चुकी है, उनकी स्टिचिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपने जो है ये अपना ईद का सूट उसके आपके साथ शेयर करूँ उसकी लुक जो है। ठीक है, उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अभी मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ, बैड कमेंट किसी ने नहीं करना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमने इस बार जो ईद है एज़ यूजल हमने गाँव में करनी है और गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं लिए हैं, बहुत नॉर्मल रह के जो है उसमें पतले से लॉन में ही ड्रेसेस मैंने लिए हैं और बस उन पर थोड़ा सा उसको स्टिचिंग स्टिच इस हिसाब से क्या है कि वो थोड़े फॉर्मल लुक में आए और अच्छे भी लगे अपने हिसाब से। तो मैंने बहुत खूबसूरत बनाया, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा को आप किस तरीके से लगे, कैसे लगे हैं, मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है और कलर्स कैसे लगे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने लाहौर के 3-4 बाज़ार जो है ना वो मैंने 2-3 बार विजिट किया, टोटली 2-2 राउंड पूरे बाज़ार का लगाया, फिर जाके मुझे समझ में आया कुछ, क्योंकि जो कलर मैं चाह रही थी वो मुझे जो है वो इतना अवेलेबल नहीं मिला मार्केट में। मैं थोड़ा मेहरून टोन में जाना चाह रही थी तो मुझे सारे शॉप वाले कहते थे कि आप ये जो कलर है ना ये सर्दियों की टोन है तो कमी मिलेगा। तो फिर बहरहाल जैसा भी था मुझे अच्छा लगा, जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना लिया और अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश किया है, बहरहाल मुझे बहुत पसंद आए हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, गलत बात नहीं करनी है, गर्मी के हिसाब से मैंने बहुत नॉर्मल ड्रेसेस लिए हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको अपने ड्रेसेस ला के दिखाती हूँ। तो जी टेंटरा, ये रहे मेरे दोनों ड्रेसेस। ठीक है, मैंने ये दो ड्रेसेस लिए हैं, अभी मैं आपको जो है इनकी फुल लुक भी चेक करवाती हूँ कि मैंने किस तरीके से स्टिच किया है, तो चलो देखते हैं। अच्छा जी, पहले बात करते हैं इस ड्रेस की। तो इसका मैंने कुछ इस तरीके से इसका गला बनाया है और ये इसमें ये लेस और इस तरीके के इसके मैंने बाजू बनाए हैं। ठीक है, और ये रही इसकी फुल लुक ओवरऑल। ठीक है, और इसके साथ मैंने ये वाला सिंपल दुपट्टा लिया है। ठीक है, इस तरीके से इसकी लुक है। लॉन्ग में मैंने इसकी शर्ट बनाई है और साथ में जो है वो मैंने डिब्बा शेप जिसको कहते हैं वो मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है और ये इसकी फुल लुक है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगे। तो जी सेकंड वाला ड्रेस मेरा ये है, इसका मैंने इस तरीके का बे गला बनाया है और इसके गले पर इस तरह की डिज़ाइनिंग, ये देखिए थोड़ा नज़दीक करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसके बाकी ये मैंने गोटा लगाया है और इसके दामन का इस तरीके का डिज़ाइन है, ये मैंने शॉर्ट शर्ट बनाई है। ठीक है, इसके साथ ये रहा इसका दुपट्टा, ये थोड़ा इसका ये दुपट्टा है। ठीक है, और इसके साथ मैंने बनाया है, मैं आपको भी निकाल के दिखाती हूँ। तो ये निकल गया इसके इस तरीके का जो है इसको क्या बोलते हैं, शरारा प्लाजो वड़ावर जो भी बोलते हैं। इसके यहाँ पे मैंने डाली है जी ये कलियाँ, ये देखें, ताकि इसका थोड़ा सा घेर खुला हो जाए। ठीक है, ये शरारा टाइप मैंने बनाया, बेल बॉटम कह लें, शरारा गरारा जो भी इसको कहते हैं, ट्राउज़र कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ये रही इसके फुल ओवरऑल लुक, क्योंकि नीचे शरारा था तो मैंने इसकी शर्ट जो थी वो थोड़ी छोटी रखी है नीज तक। ठीक है, तो ये दो ड्रेसेस दे जो मैंने ईद के लिए ये दोनों बनाए हैं। ठीक है, सेम वही लेस जो थी, ये वाला गोटा जिसको पलटा जो भी बोलते हैं, गोटा पट्टी वटावर, यही मैंने पांचों पर भी लगाई है और यही मैंने इसके बाजुओं पर लगाई है और इसके चौक पर इस तरीके से। थोड़ा खोल के दिखाती हूँ, खुल जा सेम सेम। हाँ जी, इस तरीके से जो है वो साइडों से इसका ये बनाया और ये रही इसकी ओवरऑल लुक। दुपट्टे मैंने बिल्कुल सिंपल रखे हैं, फिर ये दुपट्टा अगर कतान में मैं यहाँ किसी और भी कपड़े में ले लेती हूँ तो फिर गर्मी से एक तो टिकता नहीं और दूसरा उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने जो है ये प्योर के दुपट्टे लिए, सॉफ्ट सॉफ्ट से मुलायम मुलायम से, देखे कितना खूबसूरत कलर, मुझे तो बहुत पसंद आया। ठीक है, तो ये दो ड्रेसेस से जो मैंने ईद के लिए बनाए हैं। तीसरा जो था वो थोड़ा सिंपल ही मैंने बिल्कुल सिंपल रखा, क्योंकि हम जाएंगे और 2 दिन के लिए ही हमारा स्टे होगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ड्रेसेस बनाए थे, बाकी घर के लिए 5-6 मैंने और बनाए हैं।
तो जैसे जैसे ब्लॉग्स में आएंगे आपको दिखाती जाऊंगी, और कुछ मैंने आपको शायद दिखा भी दिए हैं, ठीक है। तो ये दो ड्रेसेस थे जो मैंने ईद के लिए बनाए थे, बाकी अभी मेरी सिर्फ चूड़ियाँ रह गई हैं। आज शाम को अम्मी के साथ जाऊंगी चूड़ियाँ लेने, बच्चों की चूड़ियाँ रह गई हैं, बाकी टोटली हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है। और फिर अभी मैंने जो है स्किन केयर करनी है। देखिए मेरा फेस, वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्किन मेरी साफ़ है, नीट है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्किन केयर तो ज़रूरी होती है, ताकि स्किन को भी ज़रूरत है केयर की, तो इसकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो आज बाज़ार से फ्री होकर, परसों ईद है, तो कल इंशाल्लाह जो है मैं अपना जो है स्किन केयर करूँगी और मैनी पैडी कर लूँगी, और फिर कल देख, या परसों ईद नहीं है, उसके अगले दिन ईद है, तो फिर उससे अगले संडे वाले दिन जो है वो हम मे भी रात में जो है वो गांव के लिए निकल जाए और दो दिन वहाँ स्टे करेंगे, फिर इंशाल्लाह घर वापस आ जाएंगे। तो जी ये रही मेरी ईद की कलेक्शन, मैंने कहा था आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी कि मैंने किस तरीके के बनाया। और ये रहा मेरा बगीचा, अभी भी देख लें, और ये एक एक्स्ट्रा इन्होंने इसके अंदर घुसाया हुआ, बाकी बगीचा वो परली साइड पे है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे ड्रेस की ईद का, ईद के सूट की कलेक्शन अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और दूसरे के साथ शेयर करना, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।